हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साल का सबसे बड़ा सेल स्टार्ट हो गया अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर। इस सेल में प्रोडक्ट पर बड़ी डिस्काउंट मिल रही है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं जिसमें 15,000 से नीचे के 10 स्मार्टफोन होंगे। ये फोन बैटरी, प्रोसेसर, कैमरे के मामले में परफेक्ट है। ऐसे इन स्मार्टफोन का प्राइस 15,000 से ऊपर का है, लेकिन साल की सबसे बड़ी सेल चल रही है तो इन स्मार्टफोन का प्राइस नीचे आ गया है। अगर आपको इनमें से कोई स्मार्टफोन पसंद आए तो मैंने इन फोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। तो फ्रेंड, अब चलते हैं 15,000 से नीचे के स्मार्टफोन पर, जो नंबर 10 पर आता है Redmi Note 11s। इस फोन का प्रोसेसर MediaTek Helion G96 ऑक्टोकोर प्रोसेसर है, जो बहुत अच्छा है। 6GB रैम के साथ आने वाला ये फोन कैमरे के मामले में भी सुपर है। इस फोन का कैमरा 108 मेगापिक्सल क्वाइट रियर कैमरा विद 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल माइक्रो और पोर्ट्रेट लेंस दिया गया है। सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। डिस्प्ले की बात करें तो 19HZ FHD AMOLED डिस्प्ले है, जो 6.43 इंचेस की है, जो काफी स्मूथली वर्क करेगा। इस फोन की बैटरी 5000mAh की मिलती है, जो 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग देगा। अगर इस फोन के प्राइस की बात करें तो ये फोन आपको 14,999 रुपए में मिल जाएगा। नंबर 9 पर आता है Samsung Galaxy F23 5G। 6GB रैम के साथ आने वाला ये फोन बहुत अच्छा है। इस फोन का प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 750G प्रोसेसर है। कैमरे की बात करें तो बैक साइड में 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। ये फोन 6.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, जो 5000mAh की लिथियम बैटरी साथ आता है। इस फोन का प्राइस 14,499 रुपए का है। नंबर 8 पर आता है Realme Narzo 50। इस फोन का प्रोसेसर ऑक्टाकोर MediaTek Helio G96 है, जो गेमिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.6 इंचेस की FHD अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले मिलती है। ये फोन कैमरे के मामले में सुपर है। बैक साइड में 50 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। 5000mAh की बैटरी के साथ आने वाला ये फोन 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, और ये फोन 6GB रैम के साथ आता है। इस फोन का प्राइस 14,499 रुपए का है। नंबर 7 पर आता है टेक्नो पोवा 3। ये फोन गेमिंग के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसका प्रोसेसर MediaTek Helio G88 ऑक्टोकोर प्रोसेसर मिलता है। 6GB रैम के साथ आने वाला ये फोन ठीक है। कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और लेंस दिया गया है, जो सुपर नाइट मोड के साथ आता है। 6.9 इंचेस की FHD डिस्प्ले मिलती है। फ्रेंड, इस फोन की बैटरी बैकअप कुछ लंबा होगा, क्योंकि इस फोन की बैटरी 7000mAh की है, जो 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग देगा। इस फोन का प्राइस 13,299 रुपए का है। नंबर 6 पर आता है Samsung Galaxy M32। 6.4 इंचेस की सुपर AMOLED डिस्प्ले, जो गोरिल्ला ग्लास के साथ आने वाला ये फोन अपने बजट में सही है। ये फोन 4GB रैम के साथ आता है, और कैमरे की बात करें तो 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल क्वाइट कैमरा सेटअप दिया गया है। फ्रंट कैमरा इस फोन का 20 मेगापिक्सल का है। 6000mAh की बैटरी के साथ आने वाला ये फोन, जो बैटरी बैकअप लंबा देगा। प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन का प्रोसेसर Helio G80 ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। नंबर 5 पर आता है IQOO Z6। 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आने वाला ये फोन सही है। इस फोन का प्रोसेसर Snapdragon 680 ऑक्टोकोर है। कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का है। सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इस फोन की बैटरी 6.58 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले है, जो गेमिंग के लिए स्मूथली वर्क करेगा। 5000mAh के साथ आने वाला ये फोन 44 वोल्ट फास्ट चार्जिंग देगा। इस फोन का प्राइस 13,999 रुपए का है। नंबर 4 पर आता है Oppo A74 5G। इस फोन का प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 485G GPU है। अगर इस फोन की डिस्प्ले की बात करें तो 6.49 इंचेस के FHD अल्ट्रा वाइड 120Hz डिस्प्ले मिलती है। इस फोन का मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, और 2 मेगापिक्सल माइक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ लेंस दिया गया है। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। 6GB रैम के साथ आने वाला ये फोन बिल्कुल परफेक्ट है। इस फोन की बैटरी 5000mAh की है, और इस फोन का प्राइस 14,990 रुपए का है। नंबर 3 पर आता है Redmi 9 एक्टिव। इस फोन का प्रोसेसर ऑक्टाकोर Helio G35 है। 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है। इस फोन का कैमरा 13 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का दिया गया है। इस फोन की बैटरी की बात करें तो 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 10 वोल्ट फास्ट चार्जिंग देगा। नंबर 2 पर आता है Oppo A31। फ्रेंड्स, ये फोन कैमरे के मामले में थोड़ा सा कम है, क्योंकि इस फोन का मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल डेप्थ लेंस दिया गया है, और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। 6GB रैम के साथ आने वाला ये फोन ठीक है। अगर इस फोन की डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंचेस की वाटर ड्रॉप मल्टी टच स्क्रीन मिलती है, और इस फोन की बैटरी 4250mAh की लिथियम पॉलीमर की बैटरी मिलती है। इस फोन का प्राइस 11,990 रुपए का है। नंबर 1 पर आता है Nokia G21। इस फोन के प्रोसेसर की बात करें तो यूनिस्को T66 प्रोसेसर है। 6GB रैम और 128GB रोम के साथ आने वाला ये फोन सही है, और इस फोन के बैक साइड में 3 कैमरे दिए गए हैं, जो 50 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का है। सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इस फोन की डिस्प्ले की
बात करें तो 6.5 इंच की एचडी डिस्प्ले मिलती है और इस फोन की बैटरी 5050 एमएच की लिथियम पॉलीमर की बैटरी मिलती है। फ्रेंड इस फोन का प्राइस 14,499 रुपए का है। फ्रेंड ये तो जो 15,000 से नीचे के स्मार्टफोन थे, ऐसे इन फोनों का रियल प्राइस 15,000 से ऊपर का था। अगर आपको इनमें से कोई सा भी फोन पसंद आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं।